मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार। मुंब्रा के रशीद कंपाउंड में रहने वाली एक 42 साल की महिला ने इमारत की सोसाइटी के सेक्रेटरी इकबाल खान पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया है। महिला इस संबंध में मुंब्रा पुलिस स्टेशन में इकबाल खान के खिलाफ 354, 354, 509 के तहत FIR भी दर्ज करवा दी है। पूरा मामला मुंब्रा के रशीद कंपाउंड के अलीशान बिल्डिंग के डी विंग का है। महिला ने आरोप लगाते हुए बताया है कि इकबाल खान के घर पर ये महिला गई हुई थी किसी काम से, उसी दौरान इकबाल खान महिला से छेड़छाड़ की घटना को अंजाम दिया है। महिला के अनुसार इकबाल खान ने महिला से कहा कि तू मुझे खुश कर दे और मैं तुझे खुश रखूंगा। हालांकि किसी तरह से इकबाल खान के घर से ये महिला खुद को बचाकर वहां से बाहर निकल पाई। इस पूरे मामले को लेकर इस पीड़ित महिला ने क्या कुछ जानकारी दी है आपको सुनाते हैं। और डी विंग आलीशान में मैं रहती हूँ, ग्राउंड फ्लोर पे। तो यहाँ के सदर जो हैं मेन, मैंने उनसे इजाज़त ली कि भाई सबका पहले से बन चुका हुआ था, मेरे पास मतलब पैसा नहीं था, कंडीशन मेरी ऐसी थी और मैं ट्यूशन बच्चों को लेती तो वो कमरा छोटा पड़ता था। तो मैं उस सदर साहब से बोली, सदर साहब जब सबने बढ़ा लिया है, मतलब कोई वो नहीं है, तो क्या मैं भी आपकी इजाज़त से थोड़ा अपना ये जगह जो अपनी हद में है उतना ले लूँ। तो सदर साहब ने कहा अच्छा ठीक है, मैं तुमसे बात करता हूँ इस बारे में। बोली ठीक है, अच्छी बात है, मैं मेंटेनेंस के लिए ना मेंटेनेंस मैं ही संभालती हूँ। तो मैं उनके पास रजिस्टर लेकर, पानी का मसला चल रहा था उसके लिए मैं उनके पास गई, तो उन्होंने क्या किए, डायरेक्ट मेरा हाथ पकड़े अंदर खींचे। बोले अरे अरे परवीन आओ आओ। तो बोले सदा साहब भाभी नहीं है क्या, कोई नहीं है क्या, मुझे मालूम होता तो मैं नहीं आ रही। अरे अरे आओ, खींच के और दीवान रखा था ना उधर पर ऐसा, बोले बैठो बैठो, उसे धक्का कंधे पर हाथ रख के कह रहे बैठो बैठो इधर पर। तो मैं बोली सदर साहब क्या बात है, बोलो ना आप ऐसा क्यों बिहेव कर रहे होगे। तो बोलने लगे अरे देखो तुम्हारा मसला है ये बढ़ाने का, बस तुम मेरी एक बात मानो, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा, मुझे क्या, मैं बिल्डिंग का एक बंदे को भी नहीं उतरने दूंगा, पूरी बिल्डिंग मेरे हाथ में है। मेरे साथ ये हुआ कि उनने शर्त रखी कि तुम है ना मेरे को खुश रखेंगे, मेरी बात मानेंगे, मेरी मतलब वो जो ख्वाहिश है वो पूरी करेंगे, कभी कोई बिल्डिंग का बंदा तुम्हारे आगे नहीं जाएगा, मतलब ये बनाने देंगे। हाँ बनाने भी दिया जाएगा और मैं तुम्हें हर चीज़ से सपोर्ट करूँगा, हाथ रखे रहूँगा, तू हमेशा खुश रहेगी, तू मुझे खुश रखेगी तो मैं तुझे खुश रखूँगा। ये कितने तारीख की बात है? ये है ना एक, ये बनने के एक हफ्ते पहले उन्होंने मुझसे ये बात कही। तो मैं बोली सदर ने इकबाल खान ने 103 रूम नंबर। तो मैं बोली सर सदर साहब आपको शर्म नहीं आ रही, इतने बूढ़े हो गए, मैंने आपको कितना बाप जैसा, बाप से भी आप बढ़कर हैं, मैंने आपको, आपको तो मालूम है मेरे हस्बैंड नहीं रहते, गाड़ी के काम से बाहर रहते हैं, मेरे घर की कंडीशन मालूम है, मेरा सारा मसला आपको मालूम है, उसका फ़ायदा उठा रहे हैं आप। तो बोले अरे फ़ायदा कहाँ उठा रहा, फ़ायदा दूंगा मैं तेरे को, खींच के बिठा ले और कह रहे सुन गले में हाथ डाले, मैंने धक्का दी और उनको मारी, दो तीन घूसे मारी, दाढ़ी पकड़ के फेंकी, मैं भागने लगी, उनका लॉक वो वाला था, मैं कड़ी वाला जानती थी, वो खोल नहीं पा रही थी, तो पीछे से दौड़े लुंगी ऐसा पकड़ के और ऐसे गले में हाथ पकड़ के ऐसे करा रहे, सुन तो परवीन सुन तो, ऐसा और गलत वर्ड बोले मेरे को, हाँ गलत तरीके से टच किया, हाँ खींचे मेरे को गले में, कंप्लेंट वगैरह कुछ किया तभी मैंने FIR करी है, पुलिस के सामने भी बोला है उसने अपनी बात। पहले बोलता नहीं नहीं ये बेटी जैसी है, मेरे पास रिकॉर्डिंग नहीं होती तो कोई यकीन नहीं करता, रिकॉर्डिंग कैसी है, रिकॉर्डिंग उसको गलत वर्ड यूज़ किया है मेरे साथ, गलत वर्ड बोला है, सलाम किया, सलाम के बदले में उसने गलत वर्ड यूज़ किया है मेरे साथ। फिर मैंने रिकॉर्डिंग सुनाई है पुलिस वालों को, पुलिस वालों ने फिर उसको लथेरा गाली दिया, फिर कबूल करा अंदर के हाँ मैंने गलत वर्ड यूज़ किया है। तो अभी पुलिस उनको पकड़ी लेकर गई क्या नहीं, अभी आज तो FIR हो गई है मेरी, अब पुलिस है ना जो भी अपने हिसाब से एक्शन लेगी।